मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है और यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार मेरा ये वीडियो संदेश सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आशीष का वचन आप सुन रहे हैं उसको आप साझा करें। बाइबल कहती है कि जो रोटी तू अगर पानी में डाल दे तो फिर से पाने पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आशीष, जिससे ब्लेसिंग आपको मिल रही है, अगर आप उसको कुछ सीख रहे हैं और वो चीज आप सीख रहे दूसरे तक अगर बांटेंगे, आपको भी आशीष आएगी। हालेलुया। तो मेरा आज का टॉपिक है, जैसा आपको सबको ही मालूम है, युद्ध चल रहा है और हम लोग बिल्कुल अंत के कगार पे हैं। बिल्कुल हम मतलब ये है कि द्वार पे ही मसीहा खड़ा है और उसके द्वार पे जब कोई खड़ा होता है तो उसके कदमों की आहट हमारे कानों में सुनाई पड़ने लगती है और हम बता सकते हैं कि जो कदम जिसके पड़ रहे हैं वो स्वयं सो आदमी है। वैसे ही आत्मिक जगत में हमारा जो यीशु मसीह है, जो हमारा पिता है, उसके कदमों के आहट आत्मिकता से आत्मा में हम सेंस कर सकते हैं कि उसके आने की जो चाल है, जो कदम है, वो हमारा पिता आने वाला है हमको ले जाने के लिए। बाइबिल हमको पहले से बता रखा है कि मिडिल ईस्ट पर ध्यान रखो, मध्य पूर्व एशिया में ध्यान लगाओ कि वहां क्या होने वाला है, वहां क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मेरा आगमन होगा। जो हलचल वहां से हो रही है, परमेश्वर हमको चिंता ठहरा है। आखिरी दिनों में जो प्रॉफिट है, स्केल है, जो भविष्यवक्ता है, उन्होंने क्या क्या होने वाला है परमेश्वर को सब कुछ दिखा दिया था। हालांकि ऐसे हमारे बहुत सारे प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, जैसे दानियल है, उनको भी परमेश्वर ने दिखाया था, यूहन्ना को भी दिखाया था, यशकेल को भी दिखाया था, यशाया को भी दिखाया था, बहुत सारे भविष्यवक्ता, आदम को भी परमेश्वर ने बता रखा था, आदम से लेकर के अंत तक के प्रोफेसर जो भी भविष्यवक्ता थे उनको दिखा रखा था परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने इसने दिखा रखा था कि तुम तैयार रहो, तुम अपनी तैयारी पूरी करके रखो। किसी भी समय दूल्हा आ जाए तो दुल्हन, हम लोग क्या है, मसीह दुल्हन है, हम लोग अपने दूल्हे के साथ जाने को रेडी रहे। तो आज हम लोग जो मेन डिस्कस करेंगे, गोग मगोग के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आज हम लोग देख रहे हैं या जो होने वाला है। यज्केल जो 38 का जो चैप्टर है उसमें परमेश्वर ने सब कुछ बताया है कि क्या क्या होने वाला है अंत के समय में। यहोवा जो है, यीशु मसीह है, जो अपना बड़ा नाम पूरे राष्ट्र को प्रकट करेंगे अंत के समय में। अगर हम आज सिनेरियो में देखें तो वेस्टर्न नेशन है, जो पश्चिमी देश है, उनको उनने जो है क्रिश्चियनिटी है, जो मसीह अधिक ठंडी पड़ गई है। यज्केल 38 और 39, यज्केल 38 और 39, ये दो ऐसे चैप्टर है जिनका फुलफिल होना बाकी है, क्योंकि बाइबिल है वो भविष्यवाणी की किताब है जिसमें सारी भविष्यवाणी लिटरली पूरी हुई। वैसे ही अभी जो यज्केल 38 चैप्टर और 39 चैप्टर, इसका पूरा होना बाकी है। और वो होना क्या है, ग्रेट सुपरनैचुरल वॉर है, एक बड़ा आत्मिक युद्ध होने वाला है, उसके बारे में वो बताना मांग रहे हैं। यज्केल की पुस्तक 37 अध्याय पढ़े तो वहां सूखी हड्डियों का वर्णन है। परमेश्वर ने, यहोवा ने यज्केल को सूखी हड्डियों की तराई का वर्णन दिया, सूखी हड्डियों की तराई का एक पिक्चर दिया, एक दर्शन दिया। अभी सूखी हड्डी होती क्या है, अगर आप कई एक साथ कई लोगों को अगर आप कब्र में एक साथ फेंक दे तो वहां पर क्या होगा, वो मांस सड़ जाएगा, फिर उस एक स्केलेटन बन रह जाएगा, सूखी हड्डियां बचेंगी, सब कुछ कीड़े खा जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सूखे हड्डियों की एक तराई, एक गड्ढा जो है यज्केल देखता है, और यहोवा अपने बड़ी शक्ति से उस सूखी हड्डियों को एक बड़ा दल बना देता है, फिर से जोड़ करके, जो बिखरी पड़ी थी, जिनकी आशा टूटी थी, जो मर गए थे, जैसे बाइबल बताती है कि मुर्दा शेर से जिंदा कुत्ता भला है, वैसे जो मर गया है उसमें कोई आशा नहीं है, उस निराशा में उस जो बिखरे लोगों को, दुनिया भर के लोगों को वो इकट्ठा करके वो अपनी शक्ति से एक बड़ा दल बना देता है, एक आर्मी, बैंड ऑफ आर्मी बना देता है। तो फेमस ड्राई बोन्स का जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये इज़राइल को चरित करता है, इज़राइल को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद 70 साल के बाद इज़राइल पर पूरा अटैक होता है और रोमन साम्राज्य जो है यहूदियों को खत्म कर देता है, चुन चुन के मारता है, और फिर वहां से इजरायली अपने इजराइल राष्ट्र को छोड़ करके तिथर बितर हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि यीशु क्रूस पे चढ़ा दो, सलीब पर चढ़ा दो, और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो, पाप है इसका चढ़ाने का, वो हमारे और हमारी पीढ़ियों पे आ जाए। हालांकि खुद मुंह से वो लोग स्वीकार करते हैं। तो वैसे के वैसे ही यीशु की मृत्यु के 70 साल बाद ऐसा घट जाता है और इजराइल 1900 साल के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2000 सालों के लिए पूरे विश्व में बिखर जाता है। और 1948 में परमेश्वर यहोवा उनके ऊपर जो श्राप थे, जो उनके जो अपने मार्ग से भटक जाते थे, उनको फिर से इकट्ठा करता है। तो वो यज्केल को दिखाता है कि सिंबोलिकली इज़राइल को इकट्ठा करेगा, एक राष्ट्र बनाएगा, उन सूखी हड्डियों में जान भर देगा और उनके पापों को क्षमा करेगा। यज्केल 40 पढ़ेंगे तो उसमें मिलेनियम किंगडम, परमेश्वर के 1000 साल, यीशु के 1000 साल का वर्णन दिखाता है और उसके दूसरे आगमन का वर्णन भी दिखाता है, यानी कि दूसरा आगमन और यीशु मसीह का, फिर उसके बाद 1000 साल के शासन को दिखाता है। नो क्राउन
बिफोर द क्रॉस। गुड, ताज मिलने से पहले क्रूस आता है, हमें क्रूस उठाना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे कि आपका सालवेशन उद्धार फ्री है, लेकिन आपको आपको मसीह में जब हम आ जाते हैं तो हमें सालवेशन उद्धार तारण फ्री मिल जाता है यीशु मसीह के नाम से। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो विश्वास करता है, मुंह से स्वीकार करता और दिल में अगर विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाता है। इसको हम लोग गॉस्पेल सुसमाचार बोलते हैं। तो वो तो फ्री है, लेकिन उसके बाद जो प्राइस को पे करना होता है, हमको आज्ञाकारिता में चलना पड़ता है, मसीह के कदमों में चलना पड़ता है। तो यानी कि अध्याय 40 से आगे का जो 48 चैप्टर तक है हिजकेल, वो मसीह के 1000 साल के राज को बताता है, जिसमें बिलीवर्स विश्वासी भाई भी उसके साथ राज करेंगे मसीह के साथ। लेकिन उससे पहले चैप्टर है जो 39 है इसके, 38 और 39, वो गोग मगोग के युद्ध के बारे में बताते हैं, क्रूस यानी कि सताव के बारे में बताते हैं। ऐसा युद्ध होने वाला है जिसके वर्णन बाइबल ने यहेजकेल के द्वारा अब यीशु के आने से 600 साल पहले ही हो गया था, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले चैप्टर 38 और चैप्टर 39 यहेजकेल के पूरे हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं इस पूरे जो स्क्रिप्ट है जो यहोवा ने लिखी है, उसके पीछे यहोवा है, उस स्क्रिप्ट के पीछे कौन कौन से प्लेयर है। प्लेयर कोई छोटे मोटे नहीं, राष्ट्र राष्ट्र नेशंस इसमें एक भाग एक रोल अदा करेंगे। अगर हम यहेजकेल 38 अध्याय की पहली लाइन से लेकर 5वीं लाइन तक पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश में शेख तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे कि तू गोग, हे गोग, हे रोश मेशेक और तूबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी अर्थात घोड़े सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी सेना भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस कूश और पूत को, जो सबके सब ढाल लिए और टोप लिए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दल को उत्तर दक्षिण दिशा से दूर दूर के देशों के तोगर्मा घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। हमारे पास बहुत सारे राष्ट्रों का वर्णन है जिसमें मागोग है, रोश है, मेशेक है, तूबल और गोमेर है। यदि उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम उत्पत्ति 10 के में जाते हैं तो वहाँ दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 10 में अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे और यावान, तूबल और मेशेक और तीरास हुए। तो ये जो है इनका वर्णन अंत के दिनों के राष्ट्रों के रूप में दिया गया, जिसको हमने इसके 38 में पढ़ा। अब गोग देश का मागोग का मतलब क्या है? गोग जो है, अगर हम समझे तो गोग एक टाइटल है, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो एक तरीके से वो लीडर वो गोग हो गया। और मागोग क्या है? एक देश है, यानी कि अगर कोई देश है तो उसका कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा जो उसको नेतृत्व करेगा, जो उसको लीड करेगा, उसको हम उस प्रेसिडेंट और उस प्राइम मिनिस्टर को हम गोग बोलेंगे, और उस देश को बिल्कुल बता रहे मागोग एक देश है, मागोग देश का गोग, यानी कि मागोग देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। जो गोग है आज के टाइम में क्या है, गोग कौन है, बाइबल किसको बताना चाह रहे हैं? गोग जो मागोग था वो येपेत का बेटा था। येपेत कौन था? नोहा का बेटा था, शेम, हाम, येपेत। तो नोहा का जो बेटा था येपेत था, येपेत के बेटे का नाम मागोग था, और बाद में उसको साइथेनियंस करके जोसेफस हिस्टोरियन, जो जोसेफस थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने उसको साइथेनियंस कहा। जो मागोग है वो आज के दक्षिणी रूस का एरिया है, वो मागोग है, जो साइथेनिय गुमकड़ी लोग थे, जो ट्राइब थे, जो मध्य एशिया के बीच जो बस गए, और वो रूस का दक्षिणी भाग कहलाया आज के देश में, यानी कि मागोग रूस का जो दक्षिणी भाग है वो मागोग कहलाता है। अब जो दूसरा नाम आ रहा है कि रोश, एक रोश नाम आ रहा है, यानी कि गोग के मागोग को हमने देख लिया। मागोग क्या है? एक राष्ट्र है जो आज का साउथ दक्षिणी रशिया हो गया। और दूसरा रोश है, रोश कौन है, हमने रोश के बारे में जानेंगे। अर्नोल्ड फक्टबेम जो थे, जो उन्होंने अपनी बुक में फूड स्ट्रिप ऑन द मसायक बुक के पेज नंबर 107 में लिखा है, जो रोश लोग थे वो भी दक्षिणी रूस में जो बसे वो रोश जाति के लोग थे। वो लोग क्या करते थे? चप्पू चलाते थे, और जो चप्पू जो थी उसको रोश, जो स्लाविक भाषा में रोश को चप्पू बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे जगह की खोज में, एक अच्छे देश की खोज में, ये बहुत पुरानी बात है। तो वो जो है जो चप्पू चला चला करके इधर से उधर जाते थे, तो वो एक जो रोश कहलाया। और वही जो रोश है आज का मॉडर्न रशिया कहलाया, रूस कहलाया। और रोश का दूसरे जो दो लोग के नाम आ रहे हैं, मेशक और तूबल, ये दो नाम आ रहे हैं।
इनके बारे में थोड़ा सा डिबेट है। जो हिचकॉक हैं, जो उन्होंने अपनी एक बुक में प्रिफर्ड आइडेंटिफिकेशन के पेज नंबर 298 में उसको जो आइडेंटिफाई किया है, जो तुबल और मेशक हैं, ये जो है पुराने नाम है मशकोई और तिबरनोई के, जो ग्रीक भाषा में, जिनको ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और यही जो है तमाल और मुस्कू जो असीरियन के इंस्क्रिप्शन में के लेखों में इसका वर्णन है, यानी कि एक ही नाम को दो तीन तरीके से प्रोनाउंसमेंट किया है। यानी कि मेशक है जो जिसका वर्णन बाइबल में, और उसको ही मस्कोई ग्रीक में लिखा गया है, और उसको ही मुस्कू सीरियन के हस्तलेख में लिखा गया है। अगर हम लोग मोटा मोटा समझे, ज्यादा डिटेल में ना जाए, तो ये आज का टर्की है जो इसको टर्की बोलते हैं। अगर हम विद्वानों को समझे और स्वास्थ्य करें डिबेट पर ना जाए, तो जो मेशक और तुबल है आज का टर्की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बाइबल हिजकेल 38 में यहोवा क्या बताना मांग रहा है हिजकेल को, कि ये जो आउटर जो नेशन है, जो आउटर रिंग तैयार कर रही है, यानी कि इनर रिंग में तो इजराइल सबसे कंट्री से लगा हुआ है और लड़ाई करता है। अगर आप ध्यान दें, जो हमने तुर्की के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, फिर तीसरा नाम आता है पर्शिया। पर्शिया आज के समय में क्या है? पर्शिया आज के समय में ईरान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबको मालूम है पर्शिया का रिनेम हुआ, फिर से नाम रखा गया। 1935 में पर्शिया का नाम ईरान रखा गया। फिर है कुश देश का वर्णन है, जो कुश जो है या इथियोपिया जो है आज के समय का सूडान है, या इथियोपिया कह सकते हैं। जो पर्शिया था उसको इंग्लिश में पर्शिया बोलते हैं और हिंदी में फारस कहते हैं, जिसका हम ईरान आज के समय वो ईरान है। और फिर है एचकेएल 38 के 38 के पांचवे नाम लिखा है पुत। पुत कौन है? पुत जो है लीबिया है आज के समय का, या सोमालिया हम कह सकते हैं। आर्नोल्ड है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, बड़े विद्वान है बाइबल के। फिर है गोमेर, एचकेएल 38 के चैप्टर में 6 लाइन में लिखा गोमेर देश का वर्णन है। गोमेर उसके दलों को, गोमेर है आज का मध्य तुर्की है, मध्य टर्की है, पॉसिबली अगर हम आज के समय देखें मोटा मोटा तो जर्मनी कहलाता है। जोसेफस है, जो बाइबल के विद्वान है, आप सब जानते होंगे, उन्होंने इसको गोमेर को, गोमरेट्स को जो है गलेसियस से जोड़ा गया है, गलतियों से जोड़ा गया है, और उन्होंने ये इसको लिखा है मोटा मोटा कि ये सेंट्रल टर्की यानी कि जर्मनी आज का ये गोमेर है, जो बाइबल इसका वर्णन है एचकेएल 38 के पांचवे में। और जो फैक्टबम है, जो उन्होंने अपने फूड स्टेप ऑफ द मसाया पेज नंबर 108 में गोमेर को जो है आज का जर्मनी बोला है। रबियों के मिद्रास में भी गोमेर को जर्मेनिया कहा गया है। फिर आता है तोगर्मा, एचकेएल 38 के हैप्पी आय में पढ़े तो मैं तोगर्मा के घराने लिखा हुआ है। तो तोगर्मा क्या है? आज का ईस्टर्न टर्की या आर्मेनिया हम कह सकते हैं। ये जो बाइबल के जो एचकेएल 38 के जो जितने भी राष्ट्र हैं, ये जो अगर आप देखेंगे नक्शे में, तो ये आउटर रिंग इसराइल के चारों परमेश्वर दिखाना मांग रहा है। और आप ये जान लें कि ये जो है इसराइल के पड़ोसी देश नहीं है, इनमें किसी में भी इजिप्ट का वर्णन नहीं है, मोआब का वर्णन नहीं है, असीरिया का वर्णन नहीं है, बेबीलोनिया का वर्णन नहीं है, मोआब का वर्णन नहीं है, फिलिस्तीनियों का वर्णन नहीं है। इसराइल के जो मैंने नाम बताई राष्ट्र जो इसराइल के पड़ोसी है, लेकिन जो अभी जो बाइबल में जो एचकेएल 38 के जो वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें हमने अभी वर्णन किया है कि जो मागोग है वो साउथ रशिया को बताना मांग रहा है परमेश्वर, और जो रोष है वो रशिया का ही एक पार्ट है, और जो मेशक और तुबाल है वो जो है इसको आज का प्रेजेंट तुर्की को बता रहा है, पर्शिया है जो ईरान को बता रहा है, और इथियोपिया कुश है वो आज का सूडान बता रहा है, और जो पुट है, जो पुत है वो लीबिया या सोमालिया को बता रहा है, और जो गोमेर है वो आज के जर्मनी को बता रहा है। यानी कि जो ये बेल्ट है, जो पट्टा है, ये आउटर बाहरी रिंग है इसराइल की, और जो मिडल जो इसराइल के जो सर्कल है, जो इसराइल के जो पड़ोसी है, उनमें से किसी का वर्णन यहाँ पर मिशन नहीं दिया। यानी कि जो फाइट है, जो आखिरी फाइट है, जो गोग मागोग का युद्ध है, वो आउटर सर्कल से होगा इसराइल पर, यह परमेश्वर बताना मांग रहा है। जो डेली इसराइल लड़ता रहता है आपस के जो पड़ोसी देश है, उसके वर्णन कहीं नहीं है। ये दूर के रिमोटेस्ट एरिया के जो देश के बारे में यह बताना मांग रहा है। एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा अलायंस बन रहा है, एक ऐसा गठजोड़ बन रहा है रशिया के साथ, इन सारे देशों के साथ, वो गोग मागोग के युद्ध के बारे में यह बताना चाह रहा है। यानी कि एचकेएल 38 और 39 ये बताना चाह रहा है, स्पीक्स कमिंग अलायंस ऑफ रशिया, टर्की, ईरान, लीबिया, सूडान, सोमालिया एंड पॉसिबली जर्मनी। अगर हम नक्शे में देखेंगे तो रशिया और तुर्की जो कहां इजराइल पर उत्तर दिशा से अटैक करेंगे, और ईरान जो है ईस्ट पूर्व से आएगा, ईस्ट से आएगा, और लीबिया साउथ वेस्ट से आएगा, और सूडान और सोमालिया जो आएंगे दक्षिण से अटैक करने आएंगे। यानी इसराइल जो है इनसर्किल्ड हो गया इन सारे देशों से। कई लोग विद्वान बोलते हैं कि रशिया नहीं होगा, तुर्की होगा, टर्की होगा, लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि यहां पर लिखा है 38 के 6 में लिखा है कि उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के, यानी कि रिमोटेस्ट पार्ट,
यानी कि रिमोट पे अगर आप देखेंगे तो 5,800 किलोमीटर रशिया इजराइल से दूर है और जो तुर्की है करीब 1300 या 1400 किलोमीटर दूर है। यानी कि उत्तर की दिशा से दूर उत्तर की दिशा से रशिया ही पड़ता है, जबकि आज जब सीएनएन देखते हैं कि रशिया प्रो इजराइल है, इजराइल का फेवर करता है, लेकिन आने वाले समय में यहोवा ने क्या रख छोड़ा है हमें नहीं पता, लेकिन हिंट यहां परमेश्वर ने दिया हुआ है, अब माने या ना माने बट ये होने वाला है। अब ये तो हमने प्लेयर्स देखे, नेशंस देखे जो इस गोग मागोग के युद्ध में आएंगे, जिनको आज के प्रेजेंट डे में हमने देखा कि बाइबल में जो पुराने समय में उनको क्या बोलते थे और नए समय में हमने क्या बोलते हैं आज के समय में। अगर भजन संहिता 83 पढ़े, 83 पढ़े तो वहां पर इसराइल के जो इनर सर्कल के जो पास के पड़ोसी देशों के युद्ध के दुश्मन देशों के बारे में वर्णन है। उनका तंबू माल इस्माइली मुआबी हुगरी गबाली अमोनी अमालेकी और सारे लोग फिलिस्ती और इसके साथ असूरी भी मिल गए हैं। यानी कि ये जो है पड़ोसी देश है, इनकी इनका फाइनल कॉन्फ्लिक्ट इसराइल से नहीं होने वाला, इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो लड़ाई है वो आउटर सर्कल दूर के देशों से होने वाला, जिसको गोग मागोग का युद्ध बोलते हैं, जिसका आजकल 38 और 39 में वर्णन है। ये जो पड़ोसी देशों से तो युद्ध होता ही रहता है, लेकिन आने वाले जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट है उससे पहले मसीहा हम लोग को ले जाएगा, चर्च उठा ली जाएगी, यीशु के विश्वासी दुल्हन उठा लिए जाएंगे इन सब पीड़ाओं के महाक्लेश के आरंभ होने से पहले ही। मेन की प्लेयर्स है रशिया है, ईरान है और तुर्की है। और आज के देखें कि ये जो तीनों कंट्री हैं आपस में एक साथ मिल के आ रहे हैं, एक दूसरे के मिलिट्री अलायंसेस मिलिट्री गठजोड़ कर रहे हैं, आपस में एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं एक साथ। रशिया जो है इनको सपोर्ट भी कर रहा है, इनके आर्थिक गठजोड़ भी हो रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस फाइनेंस के भी क्षेत्र में आपस में ये लोग शेयर कर रहे हैं। और जो सीरिया का युद्ध हुआ था उसमें जो उस युद्ध में जो है ईरान और रशिया आपस में बहुत क्लोज आ गए हैं। जो मिडिल ईस्ट है, जो मध्य पूर्व एशिया जो है, यानी कि ईरान और रशिया मिलकर के मिडिल ईस्ट को जो मध्य एशिया को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, यानी कि एक हो गए। और जो तुर्की है, जो टर्की है, वो नाटो का गठजोड़ में है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अभी अपने, तुर्की क्या है एक मुस्लिम कंट्री है और नाटो क्या है मैक्सिमम देखेंगे वो सेक्युलर है, वो लोग उस अलायंस को टर्की ने ज्वाइन करा है अभी नाटो का सदस्य, लेकिन धीरे धीरे टर्की का भी उससे विश्वास हट करके रिलीजियस साइड में जा रहा है, यानी कि वो अलायंस को हट करके उसका जो दोस्ती है रूस और ईरान की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में वो नाटो देश का सदस्य है, लेकिन मन से वो इस अलायंस का एक भाग बन गया है, ताकि बिजनेस के फायदे में, मिलिट्री के फायदे में, क्योंकि ये जो लोग जो है ये सब जो युद्ध होते हैं आपस के लालच स्वार्थ से करते हैं, स्वार्थ से गठजोड़ करते हैं। बट बाइबल की जो प्रोफेसी है उस आज की घटनाओं से हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, या परमेश्वर ने पहले ही ये लिख दिया है वो आज जो घट रही है। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट रशियन इरानियन टर्किश अलायंसेस एज द बाइबल प्रेडिक्ट्स। अब यहाँ पहले ही गोग मागोग के इसमें एचकेल 38 में पहले ही ये एक गठजोड़ का वर्णन पहले ही बाइबल में एचकेल को दिखा दिया गया था यहोवा के द्वारा, जो 2600 साल बाद घटने जा रहा है। यीशु के आगमन से 600 साल पहले एचकेल को दिखाया था और यीशु को आए हुए 2000 साल हो गए, हम लोग अंत का समय में रह रहे हैं और वो परमेश्वर को बता रहे हैं कि मसीहा के कदमों के आहट हमें सुनाई पड़ रही है, आत्मिक रूप से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, गोग मागोग के युद्ध के होने से पहले ही ऐसे हो जाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम उठा लिए जाओ। When the timing of the coming storm, ये कब है जो ये तूफान है जो बड़ी लड़ाई होने वाली है, कब होने वाली है? एचकेएल 38 के 7 और 9 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, इसलिए तो तैयार हो जाओ तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो और तैयार रहना और तू उनका अगुआ बनना, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुध ली जाएगा, अंत के वर्षों में तू उस देश पर में आएगा और जो तलवार के बस में छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं परंतु वे देश देश के लोगों के वश में छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। गोग मागोग जो है, मागोग देश का जो गोग है वो एक पावर हाउस की तरह आएगा, अपने गठजोड़ के साथ अटैक करने आएगा। अगर हम आज के समय देखेंगे तो रशिया जो है सीरिया को सपोर्ट करता है और जो इधर दूसरी तरफ जो रशिया है ईरान को भी मिलिट्री ताकत देता है, सपोर्ट करता है, यानी कि इट इज रशिया इज गार्डिंग देम, तू उनका अगुआ बन जा रहा है। अब हमने जब की प्लेयर टीम प्लेयर्स को देख लिया, राष्ट्रों को देख लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्चर क्या बता रहा है कि हमको अब टाइमिंग के बारे में पता करना है कि कब होने वाला है। इट सेज दैट इन्वेजन विल अकर आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिनों के आजकल 38 के 8वें आयत बोलती है कि बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुध ली जाएगी, बहुत दिनों के बीतने पर, ये जो बहुत दिनों के बीतने पर इसको ट्रिब्यूलेशन पीरियड से हम समझ सकते हैं। और एचके 38 के 16 लिखा है कि
जैसे बादल भूमि को छा जाता वैसे तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश में ऐसे चढ़ाई करेगा, इसलिए हे गोग अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझे देश से अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगी सब जातियों, जब मैं जातियों के देखते देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र रहूं तब वे मुझे पहचान लेंगे। ये जो है आयत है और ये जो ये बीच का समय एक ट्रिब्यूलेशन पीरियड को बताना मांग रहा है। ये वो समय होगा जब एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आ जाएगा और पहले फेज में झूठा शांति फॉल्स पीस रहेगा और रशिया जो है उत्तर दिशा से इसराइल पर आएगा और रशिया विल ट्रिगर द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बाई ब्रेकिंग द फॉल्स पीस मेड बाई एंटी क्राइस्ट एंड इन्वेडिंग इसराइल। उसी समय एक एंटी क्राइस्ट भी आएगा जो इस युद्ध को रोक देगा और ऐसा हो जाएगा वर्ल्ड में दुनिया में प्रचार करेगा कि मैं ही वो मसीहा हूँ और शांति का राजकुमार हूँ और ये जो युद्ध जो जो उत्तर दिशा से रिमोट प्लेस से जो जो गोग मागोग का युद्ध है जो सब इसराइल में चढ़ाई करेंगे उनका पीस कर देगा और इसराइल भी उस धोखे में आ जाएगा उस शांति उस पीस ट्रीटी में साइन कर देगा। एक झूठी शांति 3.5 साल के लिए स्थापित हो जाएगी और असली चेहरा उसका एंटी क्राइस्ट का मसीह विरोधी का 3.5 साल के बाद यानी टोटल 7 ईयर्स का 7 ईयर्स का ट्रिबुलेशन है महाक्लेश का समय जो घटेगा। लेकिन उससे पहले ही बाइबल बताना मांग रही है कि विश्वासियों को चर्च को कलीसिया को परमेश्वर इस घटना से पहले ही उठा ले जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बाइबल में विश्वासियों को दुल्हन बोला गया और यीशु मसीह को दूल्हा बोला गया है और अगर नॉर्मल भी देखें तो यहूदी विवाह जो प्रथा है उसमें भी कभी भी या हम नॉर्मल भी देखें तो हस्बैंड जो है पति जो है कभी अपनी पत्नी को कष्ट में नहीं छोड़ता जो सच्चा प्रेम करता है और वो कभी नहीं चाहेगा उसकी पत्नी परेशानी में जाए इसलिए वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। यानी कि यीशु मसीह जो दूल्हा है और हम उसकी पत्नियां हैं वो हमको स्टेबलेशन के 7 साल के महाक्लेश काल में नहीं पड़ने देगा, इस युद्ध में नहीं पड़ने देगा, उससे पहले ही वो उठा ले जाएगा रैप्चर में और हम लोग बादलों में मिलेंगे जैसा फर्स्ट में लिखा है कि हम लोग बादलों में 7 साल के साथ विवाह का समारोह चलेगा और नीचे 7 साल का एक महाक्लेश का समय चलेगा और बाइबल बोलती है कि तैयार रहो ताकि तुम इस महाक्लेश में ना पड़ो। यानी कि मागोग देश का जो आक्रमण है ट्रिबुलेशन से पहले नहीं होगा। 38 के 8 में लिखा है कि जो तलवार की वजह से छूटा हुआ होगा यानी जो इसराइल है जो आराम से रहेगा क्योंकि उसके जो अभी आज अब देखें तो इसराइल बहुत प्रॉस्पर हो गया, उसके पास मिलिट्री पावर है, उसके पास मिसाइल है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को देता है, स्पेस सिस्टम भी उसका अच्छा है और मेडिसिन में उसने बहुत अच्छा काम किया, साथ में उसने जो है 400 माइल सिक्योरिटी वॉल भी उसने डेवलप करके रखी है इसराइल ने और जो वेस्ट बैंक है वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी को जो उसको रोक के रखती है। इस समय इसराइल अपना बेखटक शांति में रहेगा, उसकी जो शहरपना सुरक्षित है इस धोखे में रहेगा और वो पीस ट्रीटी भी साइन कर चुका होगा, इससे बोलेगा कोई मेरे पर आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि उसके जो इनर सर्कल के शत्रु को तो जीत ही चुका है और आउटर सर्कल के जो युद्ध होगा उसमें जो फॉल्स मसीहा आएगा जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो उनके साथ पीस ट्रीटी कर लेगा, मागोग का जो इन्वेजन है वो थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाएगा और ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि उस पर फिर अटैक होगा ताकि यहोवा इसके 38 के 16 में लिखा है कि ताकि यहोवा यूं कहता कि मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा। यानी कि अब यहोवा इसराइल के साथ वॉचर्स के साथ पवित्र जनों के साथ लड़ेगा, लोग मुझे पहचान लेंगे कि मैं यीशु मैं मसीह हूं। जो हमारा दूसरा आगमन है यीशु मसीह का जो हम बिलीवर्स के लिए इसराइलियों के लिए वो पहला आगमन समझेंगे, उसी को मेमने की तरह भी और वो सिंह तरह राजा की तरह उसको देखेंगे जबकि हमने पहले यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में देखा, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में देखा जिसने हमारे लिए कुर्बान हुआ बलि हुआ और जब दूसरा बार आ रहा है वो जज यूहन्ना के 5:25 लिखा कि वो जज करने आ रहा है, न्याय करने अधिकारी के रूप में आ रहा है, राजा को राजा प्रभु प्रभु के रूप में आ रहा है। तो इसराइलियों को जो पहला यहोवा का पहला प्रेम इसराइल है और इसराइल की आंखें खुलेंगी तब वो देख लेंगे कि यही इशू है, तब यहोवा इसराइल के लिए लड़ेगा और उन जो गोग मागोग का जो इन्वेजन है जो आक्रमण उनको परास्त करेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में इसके बोला क्यों आएंगे वो इसराइल के विरुद्ध में, तो एंटी सिमेटिज्म जो वर्ल्ड में आजकल बहुत फैल रहा है, यहूदियों से नफरत यानी कि जो कई नेशंस हैं आप देखेंगे वो जो मिडिल ईस्ट का जो बेल्ट है और आउटर जो सर्कल है वो यहूदी से मन से घृणा करते हैं और उनको कोसते हैं अपनी प्रार्थनाओं में और गोग मागोग जो रशिया के बारे में हम लोग जो आज के बारे में बता रही है तो जो रिसोर्सेज उनकी जो मिलिट्री पावर छीण हो गई है इकोनॉमिकली सारे वर्ल्ड के नाटो कंट्रीज ने और यूरोपियन यूनियन ने इन्होंने उस पर बैन लगा दिए हैं
और उससे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा। धीरे धीरे आपको मालूम है कि जब कोई युद्ध होता है तो देश 100 साल 200 साल पीछे चला जाता है। फिर वो नए, अब जब उसको सिलिकॉन वैली जो उसके कंप्यूटर का जो है वो भी वो बंद हो गया है, तो वो जो अभी आज के देखे में तो इसराइल के गोलन हाइट्स में बहुत सारे नेचुरल चीज़ें मिली हैं और जो डेड सी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, यानी कि इसराइल एक रिच कंट्री है। तो वो जब अब आराम से रहेगा जिसका वर्णन, तो इस पर वो लोग मनी मटेरियल के लिए और जो गैस के भंडार भी है नेचुरली इसराइल में, उसको लूटने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लूटने के लिए ये देश उस पर चढ़ाई करेंगे। तो हमें दिखेगा कि स्पिरिचुअल, लेकिन मेन कारण है मनी है, अपने घाटे को भरने का एक जरिया भी है और एक एंटी सेमिटिज्म है, गैर यहूदी के खिलाफ घृणा का भी एक बड़ा रीजन ठहरेगा। 38:13 में लिखा है, शबा और ददान के लोग और तार्शिश के व्यापारी अपने देश के साथ जवान सिंहों समेत उससे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने और सोना चांदी उठाने और पशु वाले संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट और अपना लेने को अपनी बड़ी इकट्ठे करी है? यानी कि जो रशियन अलायंस है, जो गोक मगोक के जो अलायंस है, जैसे हमने देखा था जर्मनी है, तुर्की है, ईरान है, और यहाँ जो शबा और ददान के बारे में बताया जा रहा है, शबा ददान कोई और ही आज के समय के सऊदी अरबिया है, जो पूछ रहे हैं कि तू इन जो चढ़ाई कर रहा है इजराइल पर, क्यों चढ़ाई कर रहा है? और जो तर्शिस है, जनरली थॉट टू स्पीक इधर स्पेन और ब्रिटेन, जो तर्शिस का वर्णन है वो आज के समय में ब्रिटेन या स्पेन हो सकता है। और इजराइल में अबंडेंट वेल्थ है, मिनरल्स है, डेड सी है, जिसके अंदर डेड सी में जो बहुत सारे मिनरल्स है, ऑयल डिस्कवरीज जो हुई है गोलन हाइट्स में हुई है, और मैसिव गैस डिस्कवरीज हुई है इसराइल में, और गोल्ड सिल्वर और लाइफ स्टॉक गुड्स हैं इसराइल में, और एनर्जी के बहुत सारे भंडार हैं इसराइल में। और अगर हम देखें तो लेविथान और तो तामार में 10 सालों से मैसिव गैस के फील्ड्स भी मिले हुए हैं इसराइल में। यानी कि इस तरह से देखें तो इसराइल बहुत ही संपन्न राष्ट्र के रूप में उभर के आया है, जो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि इन देशों का जो आउटर सर्कल है वो इस पर अटैक करे, ताकि अपने घाटे को उसको भरने के लिए। यानी कि परमेश्वर के सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट यीशु के दूसरे आगमन से पहले ये युद्ध लड़ा जाएगा, ताकि वहां परमेश्वर अपनी महिमा दिखाए इसराइल को बचा करके। और आज समय में इसराइल एक बड़ा एनर्जी सुपर पावर के रूप में उभर के निकला है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे स्केल के 38:4 में लिखा है कि मैं तुझे घुमा के ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़े सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए, एक बड़ी भीड़ जो फेरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने होंगे, ले आऊंगा। यानी कि जबरदस्ती इस गोग मगोग को लेके आएगा इसराइल के विरुद्ध यहोवा। इसराइल के ऊपर लाने वाला भी कौन है? यहोवा ही है। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जब अशूरी लोग जो थे, जब इसराइल दो भागों में बटा था, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग, उसमें जो उत्तरी भाग के जो इजरायली थे, जिसको हम इसराइल बोलते थे, दक्षिण भाग को यहूदा बोलते थे, उसको जब उन्होंने मूर्ति पूजा करी और परमेश्वर यहोवा से भटक गए, तो परमेश्वर ने अश्शूरियों को भेजा और इसराइल को बंदी बना दिया। उसके बाद जब यहूदा के लोग जो थे, जिसमें दो पुत्र थे, यहूदा और बेंजामिन, ये लोग भी नहीं सुधे, तो उसके बाद उन्होंने बेबीलोन को बुलाकर यहोवा ने उनको बंदीगृह में भेज दिया, बंधुआई में ले गया। उसके बाद जब मादा फारसी के राजा आया, उन्होंने फिर से इसराइल को बोला, परमिशन दी बसने के लिए 70 साल की बंधुआई के बाद। फिर इसके बाद जब यीशु मसीह आए पहला आगमन, तो इसराइलियों ने, यहूदियों ने उसको नहीं पहचाना और उसको क्रूस पर किया, चढ़ा दिया। उसके बाद भी 2000 सालों के लिए इसराइली पूरी दुनिया में बिखर गए। फिर 1948 में इसराइल एक राष्ट्र बना और फिर से सूखी तराइयों के जो वर्णन है, जिसका इसके 37 वर्णन है, यहोवा ने फिर से इकट्ठा किया। उसके बाद भी जब दूसरा आगमन आने वाला है, वहां पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखा करके, यानी कि जो गोग मगोग को लड़ा इन्विजन के लिए भी बुला रहा है, जबड़ों में नकेल डाल करके रशिया, जिसको हमने भाई ने समझा है, बुला रहा है, उस अलायंस को बुला रहा है, तुर्की और ईरान को बुला करके लड़ाई जो उसकी होगी, और वहां पर वो अपने लोगों को बचाएगा, दिखाएगा, देखो मही वो मसीहा था जो पहले एडवेंट में आया था, जो तुमने हमको नहीं पहचाना, और बड़ा उद्धार इसराइल को आएगा। और हाल के अगर हम लोग घटना देखें तो इसराइल पर अटैक किया था जो इजिप्शियन थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, तो उन्होंने एक पेपर में लिखा कि देयर गॉड चेंजेस द पाथ ऑफ आवर रॉकेट्स इन द मिड एयर से टेररिस्ट। यानी कि जो इजिप्ट का जो टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसने जब इसराइल पर अटैक किया रॉकेट से, तो वो बोलता है पेपर में आया था कि परमेश्वर उनका यहोवा रॉकेट का जो पाथ है हवा के मध्य में बदल देता है। हालेलुया। कि इज़केल ने जो भविष्यवाणी को देखा, चार तरीके से हम देखेंगे कि जो मगोग की जो आर्मी है, जो गोग, जो उसका लीडर, जो प्रेसिडेंट है मगोग देश का, जो चढ़ाई करेगा, हरा दिया जाएगा,
और एक बड़ा अर्थक्वेक जो लैंड में हिट करेगा, हर तरफ पैनिक होगा आर्मियों की और परमेश्वर उनकी तलवार उनके विरुद्ध ही चला देगा, ऐसा करता आया। अगर इसके पैदे देखेंगे ईशाया के 37 देखेंगे कि जब हिश्किया राजा दुआ करता है तो यहोवा क्या करता है, एक सरदू भेजकर 185,000 असीरियन फौजियों को मार देता है। और हम लोग गिदोन में भी देखेंगे तो वहां पर आपस में ही लोग लड़ जाते हैं, यहोवा अपने तरीके से। यशाया 55 के 11 लिखा कि यहोवा के हजार तरीके हैं एक ही काम को करने के, उसके तरीका आसमानी और रूहानी। और इस महामारी जैसे अभी हमने COVID-19 देखा फैल गया, वो फैल जाएगी। और फाइनली फायर ब्रिमस्टोन एंड हेल विल रेन डाउन फ्रॉम द हाई, सुपर नेचुरल डिस्ट्रक्शन यहोवा डालेगा उस सेना के ऊपर जो अटैक होगा, जो इज़राइल पे अटैक होगा। फाइनली ट्रिबुलेशन शुरू होगा उसके बाद, उससे पहले कलीसिया उठ जाएगी। और ये परमेश्वर ने चार तरीके बताए हैं जो इन्वेड करेंगे, जो इज़राइल पे अटैक करेंगे उनके बाद चार तरीके से यहोवा अटैक करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यदि आपने अगर यीशु को अभी ग्रहण नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यीशु मसीह को आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि वही हमारा मसीह, हमारा उद्धार करता है। दूसरा, उसके बाद अपना चाल चलन अच्छे से रखें ताकि जब मसीह आए तो हमको उठा ले, हमको बादलों पे ले जाए, ताकि हम झुर्री रहित रिंकल फ्री उस राजाओं को राजा जिसका यूहन्ना पहला अध्याय 3:1-2 में लिखा है कि उसके सामने हम झुर्री रहित खड़े हों। जैसा पौलुस बोलता है कि मुझे दर्द है, मैं जच्चा सी पीड़ित सहता हूँ ताकि मैं तुमको एक शुद्ध निर्मल कलीसिया के रूप में मसीहा को सौंप दूँ। तो मेरी यही दुआ है, अगर आपने यीशु मसीह का ग्रहण नहीं किया है तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और आप उसका कबूल करेंगे तो आपका तारा होगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि तूने मुझे दिया। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि खुदाबन जो भी वीडियो संदेश सुन रहे हैं खुदाबन, कि हम अंत के समय में चल रहे हैं और दस्तक बिल्कुल द्वार पे ही है, मसीहा है। होने दे जिन्होंने इस वीडियो संदेश सुन रहे हैं और जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो यीशु को जानते तो हैं लेकिन जो जीवन है यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के जो बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा जो कहता है, वैसा जीवन नहीं जी रहे। तो होने दे खुदा परमेश्वर, इनके जो मोटे मन को तू नम्र बना, मुलायम बना, ताकि परमेश्वर होने दे ये मसीह जब आए चोर के समान तो ये उठा लिए जाए। और इस गोग मगोग की जो युद्ध है जो होने वाला, उसका महाक्लेश का 7 साल का पीरियड शुरू हो जाएगा, उससे पहले ये रैप्चर में कैप्चर हो जाए, स्वर्ग में उठा लिए जाए, इनका स्वर्ग आरोहण। यीशु के नाम मांगते हैं, सुन और घर घर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस।